और तीसरी जो सबसे अहम बात वो ये है कि आपको आपका अपने ऊपर एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, एक स्ट्रॉन्ग बिलीव होना चाहिए कि जो चीज़ भी आप हासिल करना चाहते हैं वो आप ज़रूर हासिल कर सकेंगे। मतलब अगर आपका अपने ऊपर एक स्ट्रॉन्ग बिलीव या स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है तो अल्लाह भी आपकी उस काम में मदद करता है। अगर आप एक बिलीव बना लेते हैं फिर उसके मुताबिक उस पर मेहनत करते हैं तो वो अल्लाह ताला आपको वो जो है वो आपका जो ड्रीम है उसमें ज़रूर कामयाब करता है। इसके अलावा आपके वालदैन, आपके साजा कराम का भी बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। अपने वालदैन से दुआएं हासिल करें, अपने टीचर्स की मेहनत पे बिलीव करें और अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करेगा। अपनी बस मेहनत को जारी रखें, जो भी अपना आपका बिलीव या डिटर्मिनेशन है उसके मुताबिक अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखें, अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करेगा। अब लास्ट पे जो सबसे अहम और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप अपनी मेहनत को जारी रखें लेकिन उसके साथ साथ अपने खुदा को मत भूलें। मतलब आप अगर मेहनत कर रहे हैं तो उसके साथ अपनी पांच वक्त की नमाज अदा करें, हर नमाज में अपने अल्लाह ताला से इल्तजा करें कि वह आपको कामयाब करे। आपका जो भी इरादा है, जो भी एम है, जो भी आपका बिलीव एम्बिशन है, अल्लाह ताला उसमें आपको कामयाब करे। अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखें, मेहनत के बगैर क्योंकि आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकते, लेकिन उसके साथ साथ अपने अल्लाह को हमेशा याद करें। सुबह उठ के कुरान मजीद की तिलावत करें, उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ करें, पाँचों वक्त की नमाज़ अदा करें। अगर आपको किसी काम के सिलसिले में कोई नमाज़ रह जाती है उसको दोबारा अगर आप कज़ा की नमाज़ में पढ़ लें, लेकिन कोई भी नमाज मिस मत करें। ये बहुत बड़ी इल्तजा होगी आपसे।